खोराबार थाना क्षेत्र के रामपुर रामगढ़ गांव में बुधवार की देर शाम घर में लाइसेंसी बंदूक से गोली दगने से कोयल प्रसाद के 22 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। वो NIT पटना का छात्र था। घटना के बाद परिजन पुलिस को बिना सूचना दिए ही शव लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए और शव को मोर्चरी में रखवा दिए। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें, कोयल प्रसाद घर पर ही कपड़ा सिलाई का काम करते हैं। उनके नाम पर 12 बोर का सिंगल बैरल बंदूक का लाइसेंस है। उनके 3 बेटों में दूसरे नंबर का युवराज राणा NIT पटना में पढ़ाई करता था। वह मंगलवार को ही घर पर आया था। परिवारजनों के अनुसार बुधवार की शाम तकरीबन 6 बजे कमरे में अकेले मौजूद था। इसी दौरान गोली चलने की आवाज़ आई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर परिवार के अन्य सदस्य दौड़कर कमरे में गए तो वहां खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके गर्दन के पास गोली लगी हुई थी। उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मौत की खबर पर परिवार में कोहराम मच गया। उधर घटना की सूचना पर खोराबार रामगढ़ थाने की पुलिस गांव पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। इस संबंध में SP City डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि लाइसेंसी बंदूक से गोली लगने से छात्र की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से जुड़ी हर बिंदु की गहनतापूर्वक पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP City डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, हम घर वालों से बाहर हैं ना, उससे फोन आया। हम ऑफिस में थे, हाँ मौके पर ही हम घर से निकले, सबको फोन किए हैं। हाँ NIT में कौन सपोर्ट करेगा, ये मैके रामपुर खोराबार थाना क्षेत्र में एक युवक 22 साल के युवराज राणा, इनका एक अपने पिताजी के लाइसेंसी असले से गोली लगने से मृत्यु हुई है। जो इनके परिवार द्वारा बताया गया है कि ये उसे साफ कर रहे थे, उस समय एक्सीडेंटल फायर हो गया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।